सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तुम्हारे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। नमस्कार, जेनेक्स्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वर्तिका नंदा। सदियां बीती, विचार बदले और साथ ही हिंदुस्तान ने विकास के कई आयाम तय किए, लेकिन इस सब के बीच एक शिकायत आज भी है, तब भी थी और शायद आगे भी रहेगी। शिकायत ये कि जेनेक्स्ट अब पुरानी पीढ़ी को वो तवज्जो नहीं देती, सम्मान नहीं देती। जेनेक्स्ट इनसेंसिटिव हो गई है हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए। ये शिकायत कितनी जायज़ है, ये मामला वाकई में बहुत सीरियस है। इसी सीरियस मुद्दे पर आज हम सभी मिलकर पड़ताल करें। इस पड़ताल में हमारे साथ शामिल हैं दो खास मेहमान, आइए आपका परिचय कराएं। हमारे साथ हैं श्री अनिल शुक्ला, जो कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं साउथ दिल्ली में, और साथ में हैं श्रीमती गोल्डी मल्होत्रा, प्रिंसिपल मॉडर्न स्कूल। और ऑडियंस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इस मुद्दे पर बातचीत शुरू करने से पहले जानते हैं ऑडियंस क्या सोचती है इस मुद्दे पर। ये बताएं, अगर आपसे पूछा जाए जेनेक्स्ट क्या इनसेंसिटिव हो रही है सीनियर सिटीजंस के लिए? मेरे अनुसार यह बिल्कुल सत्य है कि आज जो यंग जनरेशन है और जो ओल्डर जनरेशन के बीच एक गैप आ चुका है, और इसका मूल कारण हम सभी जानते हैं, उनकी मेंटेलिटी। जैसे कि जो यंग जनरेशन होती है उसे अपने हर कार्य में स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन जो ओल्डर जनरेशन है वो अपने मेंटेलिटी के अनुसार, जैसे कि वो जानती है कि जब उसके सामने कुछ गलत हो रहा है तो वो उसको ऐसा होता हो नहीं दे सकती है, और जब वो ऐसा उसको उस कंडीशन में रोकने की कोशिश करती है तो वही चीज़ यंग जनरेशन को लगती है कि वो उन पर बंदिशें लगा रहे हैं, और यही मूल वजह है कि उनके बीच आज एक जनरेशन गैप आ चुका है। तो बड़ा मुद्दा जो है बंदिशों का है। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है? अकॉर्डिंग टू मी, आई डोंट फील दैट जनरेशन, न्यू जनरेशन इज टोटली द थिंग वी कुड ब्लेम ऑन, बट आई फील इट्स एन इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंस्टीट्यूशन to cover up the gap and to do something for our senior citizens. Schools and police and politics, everyone is interrelated, interconnected when we talk about our new generation, and everyone should feel that they have certain duties for our senior citizens. So, aapko lagta hai jo duties hain uske bare mein sabhi ki zimmedari hai aur sabhi ko ek saath kaam karna hoga us par. Anil ji, ye bataye, aap साउथ दिल्ली के एडिशनल डीसीपी हैं और लगातार दिल्ली पुलिस सीनियर सिटीजन्स की सुरक्षा पर भी बात कर रही हैं। क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है कि जो जेनेक्स्ट है उसका जो एटीट्यूड है, जो रवैया है, बिहेवियर है सीनियर सिटीजन्स के साथ, कहीं बदला है, कहीं चिंता की बात है? देखिए, सीनियर सिटीजन क्या है, इसके में कई भ्रांतियाँ जुड़ी हुई हैं। सीनियर सिटीजन सिर्फ वही नहीं है जो अब अधेड़ उम्र पार करके अपने बुढ़ापे की दहलीज पे पहुँच गए। सीनियर सिटीजन वो हैं जिन्होंने समाज में काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया और आज ऐसी उम्र में पहुंच गए हैं जहां उनको समाज के थ्रू सहारे की ज़रूरत है। क्योंकि पहले हमारे यहां पर जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था, तो सीनियर सिटीजन्स की देखभाल घर में ही हो जाया करती थी। समय जैसे बदला है, जैसा आपने कहा, अब ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में उनके बच्चे बाहर चले जाते हैं, तो जनरेशन नेक्स्ट को सिर्फ ये कह देना कि उनकी जिम्मेदारी में कमी है, तो एक मूलभूत ढांचे के ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक अंग पे बात कर रहे हैं। साउथ दिल्ली में आज सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीजन है, क्योंकि ये दिल्ली का सबसे एफ्लुएंट या सबसे जिसे बोलें कि ज़्यादा पैसे वाला इलाका है। यहाँ के लोग बाहर चले गए हैं, विदेशों में सेटल हो गए हैं, उनके बूढ़े माँ बाप वापिस रह गए हैं। तो इस पैसे वाले इलाके में ज़्यादातर बच्चे पंख फैलाकर बाहर चले गए हैं, लेकिन जो बुजुर्ग हैं वो अभी भी अकेले रह रहे हैं काफ़ी हद तक। जी, काफ़ी हद तक ऐसे जितने भी एफ्लुएंट एरियाज हैं उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। जितने झुग्गी झोंपड़ी हैं उसमें माँ बाप अभी भी बच्चों के साथ ही रहते हैं। तो ये एक सामाजिक बदलाव है जो हो रहा है। आप बताइए गोल्डी जी, स्कूल लेवल पर किस तरह के इनिशिएटिव्स अब लिए जा रहे हैं? हम जेनेक्स्ट से बात करते हैं, उनको लगता है कि स्कूलों का रोल बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन सिलेबस इतना ज़्यादा है, क्या सीनियर सिटीजन्स कहीं पर फिट होते हैं? शुरू में ही जैसे इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता वो चाहते हैं, जो यंग जनरेशन है वो चाहती है कि उसे एक तरह से फ्रीडम मिले। मेरे ख्याल में जिस तरह की फ्रीडम आज की जनरेशन को है वो हमारे समय में नहीं थी। उसका सही उपयोग किया जा रहा है कि नहीं, ये देखना है, और इसके लिए केवल यंग जनरेशन ही जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि वो वही करेंगे जो उनको सिखाया जाएगा। जैसे अभी ही शुक्ला जी ने बोला कि लोग बाहर चले गए हैं, बिल्कुल सही, बाहर चले गए हैं, न्यूक्लियर फैमिली बन गई है, पर बाहर ही नहीं गए हैं, जो शहर में भी रह रहे हैं,
हमारा लाइफस्टाइल इतना बदल गया है, इस नई समाज में इतनी होड़ पैसे की है, न्यूक्लियर फैमिली यहीं पर ही बन गई है, दिल्ली में ही तमाम भाई अलग अलग रहते हैं, माता पिता अलग अलग रहते हैं, ऐसे हालात में उनका कितना मेलजोल होता है और उनके बच्चे कितना अपने दादा दादी को नाना नानी को मिल पाते हैं, वो सोचने की बात है। और ये कहना कि स्कूल का क्या रोल है, एक चीज़ नहीं हमें भूलनी चाहिए कि स्कूल में बच्चा कितना वक्त बिताता है वो सोचिए, सारा किया कराया वहीं का वहीं रह जाता है अगर घर जाके बच्चे को उससे बिल्कुल फर्क तालीम दी जाए। आप और कहना चाहिए वो शायद ये कि परियों की कहानियों की तरह बच्चों के लिए दादा दादी नाना नानी के साथ रहना भी एक कहानी जैसा होता जा रहा है। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। पर एक चीज देखिए, ये जो टीचर्स हैं, अगर स्कूल में योगदान टीचर्स का है तो आखिर टीचर्स भी तो इसी समाज का प्रोडक्ट हैं, वो भी तो किसी घर में उसी तरह बहू हैं बेटी हैं, तो वो किस हालात से गुजर रही हैं। समाज में ही जब पूरा का पूरा करेक्टर चेंज हो जाता है तो शिक्षक वही शिक्षक नहीं रह गया जो पहले था, वो भी समाज के साथ बदल गया, समाज का करेक्टर चेंज हुआ है। आप क्या पूछ रहे हैं? माय नेम इज जुगिंदर सिंह। मैम अभी आप कह रहे हैं कि स्कूल में मतलब कम टाइम लगाते हैं, मगर अब जब हमारे बड़े घर से बाहर जा चुके हैं तो हम मानते हैं कि स्कूल की एजुकेशन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहती है, जो हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है। मगर हमें जो बचपन में ही सिखाया जाता है कि आप मम्मी पापा का आदर करिए, पाँचवीं या उससे पहले की क्लासेस तक, उसके बाद जब हम मैच्योर होते हैं, जब हम कॉलेज में जाते हैं, मेरे ख्याल से वो टाइम हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है जब हम बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जब हम हमारे माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, तो उस समय हमें कुछ ऐसी एजुकेशन नहीं होनी चाहिए कि उस समय हमें कुछ खास कुछ दिया जाए या कुछ सब्जेक्ट ऐसा दिया जाए जिसमें हम बड़ों का आदर कर सकें या जिस तरह बड़ों के साथ किस तरह का बिहेवियर करना चाहिए हमें। ये संस्कार है, संस्कार के लिए कोई खास अलग से तालीम या कोई सिलेबस नहीं बनाया जाता है, ये संस्कार हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी ऊपर से नीचे दिए जाते हैं, और वो ऊपर की पीढ़ी आपको देने के लिए आपके माता पिता हैं, और बिल्कुल ठीक है आपने कि शिक्षक भी हैं, शिक्षक भी आपको सिखाते हैं। जैसे आपने कहा कि पांचवीं तक तो आपको कहा कि माता पिता का आदर करो और आप करते रहे, पर मुझे बताइए बड़े होकर क्या हो गया आपको, आपने क्यों छोड़ दिया माता पिता का आदर करना या बड़े जनों का, तालीम तो वही थी ना, तो आपने बदलाव क्यों आया, आपने कभी उसके बारे में सोचा? मेरे ख्याल में पहले आज़ादी के साथ जो भी था थोड़ी बहुत नज़र की शर्म थी, अब वो नज़र की शर्म चली गई है जिसकी वजह से आप इतने पर आपको लग गए हैं कि आप एकदम परवाज लेना चाहते हैं और आप भूल जाते हैं कि आपको देखने वाले आपके सिर पे आपके माँ बाप दादा दादी या शिक्षक हैं। नज़र की शर्म वो बहुत ज़रूरी है, शायद वो हमें किसी तरह की एक बंदिश में डालती है जो कि हमें संस्कार के लिए बहुत ज़रूरी है। यही फ़र्क है वेस्ट में और ईस्ट में, और इसको अगर हम नहीं रखेंगे तो फिर हम भी भटक जाएंगे। नज़र की शर्म घटी है, आप रिएक्ट क्या करेंगे इस पर? मैम आपने बोला कि टीचर भी आज के ये वातावरण और आजकल के परिवेश के अनुसार बदल रहे हैं, तो आज ही के पेपर में था कि एक टीचर ने अपने 6 साल के बच्चे को मारा और उसका हाथ तोड़ दिया। तो जब हमारे सीनियर सिटीजन जो हैं इस तरह का बिहेवियर करते हैं अपने यंग जनरेशन के साथ, तो इस यहाँ पे तो लैक ऑफ जनरेशन गैप होना निश्चित है। बिल्कुल नहीं, तो आपने बहुत अच्छा कहा, नहीं बहुत बहुत अच्छा कहा कि उन्होंने ऐसे किया, पर आपने ये सोचा कि ये जो टीचर जिसने ये किया उसका ये जो रवैया था या उसने जो भी हरकत करी ये बिल्कुल ही नाजायज थी, जो कबूल नहीं की जा सकती। उसने क्यों कही? वो इसलिए क्योंकि इस तरह के टीचर भी हैं जो इस कदर के समाजी दबाव में आए हुए हैं, जो बाकी सिटीजन्स की तरह यकदम कुछ बन जाना चाहते हैं, ओवरनाइट रिच होने की लालसा आज एक 17 साल के बच्चे में भी है, और ये जो टीचर जो जूझ रहा है उसकी फ्रस्ट्रेशन है, अब उसने ये फ्रस्ट्रेशन निकाली है, और इस तरह का शख्स टीचर होने के लायक ही नहीं है। अनिल जी एक बात ये बताएं, जैसे दिल्ली पुलिस ने स्पर्श परियोजना एक शुरू की और काफ़ी सेंसिटिव वे में उसको हैंडल भी किया जा रहा है शायद, लेकिन ऐसी योजनाओं के बारे में स्टूडेंट्स तक बहुत ज़्यादा जानकारी अक्सर नहीं पहुंचती, कुछ जगह वो छप जाता है, कभी कभार वो टेलीविजन पर दिख जाता है, बहुत लोग तो उसके बारे में जानते ही नहीं, तो पुलिस क्या सोचती है कि उसको अपनी जो PR का काम है वो ज़्यादा बेटर तरीके से करना चाहिए, लोगों को पता तो चले पुलिस कर क्या रही है? नहीं आप ठीक कह रहे हैं कि इतनी बड़ी दिल्ली में सारी परियोजनाएं जो हमारे यहाँ चलती हैं वो सब तक नहीं पहुंच पाती, मीडिया के थ्रू हम उसका प्रयास करते रहते हैं, बट कई ऐसी चीज़ें हैं जो चुपचाप होती रहती हैं। जैसे हमने दिल्ली पुलिस स्कूल मथुरा रोड के साथ मिलकर एक कार्यक्रम चलाया है, उसका नाम है गोधूली। उसमें पिछले करीब 2.5 साल से वो कार्यक्रम चल रहा है, और APJ स्कूल है उसके साथ मिलकर एक कार्यक्रम चला है, उनका नाम है नमन। यहाँ स्कूली बच्चे सीनियर सिटीजन्स के घर जाते हैं, पुलिस जो बीट कांस्टेबल होता है उनके साथ जाते हैं, और उनके पास जाकर
समय व्यतीत करते हैं। देखिए पुलिस जो है वो फिजिकल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है, पर जो साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी है, जो लोग अकेले रह जाते हैं, उनसे बात करने वाला कोई नहीं है, उनके लिए पुलिस वो शायद वो गैप को फिल नहीं कर पाती है। तो उसमें हमने ये एक परियोजना बनाई है जो बहुत हद तक सक्सेसफुल रही है, और उसमें जो हमें फीडबैक मिला है कि बच्चों को भी, जैसे वरन अपने खोए हुए दादा दादी मिल गए हों, और स्कूल के जो मैनेजमेंट है, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि वो जब भी कोई स्कूल का कार्यक्रम होता है उसमें ये जो अडॉप्टेड ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको खास तौर पर निमंत्रण दिया जाता है कि वो आएँ और स्कूल में के कार्यक्रम में शिरकत करें। तो ये एक कार्यक्रम धीमी रफ्तार से जरूर चल रहा है, शायद सबको उसके बारे में जानकारी नहीं है, पर ये कार्यक्रम निरंतर हो रहे हैं और भी स्कूल इसमें जुड़ रहे हैं और ये प्रयासरत है दिल्ली पुलिस। मैम मैं जानना चाहूँगा कि ये जो भी बताया जा रहा था कि जो यंग जनरेशन है वो ओल्ड जनरेशन को नेग्लेक्ट कर रही है और उस पर ध्यान नहीं दे रही है, तो मैम आपने ये भी कहा था कि 17 साल के लड़के से लेके और बूढ़े तक आजकल रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, ठीक है मैम। मैं ये जानना चाहूँगा कि उसको जो संस्कार मिलते हैं उसके पेरेंट्स देते हैं, दादा दादी देते हैं, संस्कार देने के बाद फिर वो स्कूल में जाता है, क्योंकि पहला संस्कार उसको घर से ही मिलता है। स्कूल जाने के बाद हमें शिक्षा पद्धति में क्या बदलाव है या सब सिखाया जाता है, और शिक्षा पद्धति की चीज़ें सिखाई जाती हैं। मैम इन दोनों के बीच में वो लड़का पिस जाता है, और अगर वेस्टर्न शिक्षा पद्धति है जैसे कि अभी CBSE बोर्ड्स वगैरह दे रहे हैं, उसमें जो लड़का होता है अपने संस्कारों को दबा देता है। आप ही कह रही हैं जैसे इस तरह होता है वो रातों रात अमीर बनने के सपने देखता है, जैसे को एजुकेशनल स्कूल हैं और काफी चीजें। नहीं आप थोड़ा सा उलझ गए हैं इसमें, आप CBSE को कह रहे हैं कि उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन, वो इन्फ्लुएंस उनका नहीं है, CBSE का बिल्कुल नहीं है, ये इन्फ्लुएंस मीडिया का है जिसके हम सभी शिकार हैं, बच्चे भी बूढ़े भी सभी मीडिया का शिकार हैं, और उसकी बदौलत ये जो वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस है उसकी बदौलत है, ये शिक्षा की बदौलत नहीं है। करिकुलम में कोई बदलाव नहीं आया, आपका सिलेबस वही है, ये आपके ऊपर बाहरी जो इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से तब्दीलियां हो रही हैं। और आपने कहा कि हम वहाँ से सीख के आते हैं फिर स्कूल में आते हैं और शिक्षा पद्धति में दब जाते हैं, पिस जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं यहाँ एक गौरतलब बात कहना चाहूँगी, हमारे यहाँ जब भी पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं वहाँ पर हर किस्म के पेरेंट्स आते हैं, ऐसे पेरेंट्स भी आते हैं जो इतने विनम्र भाव से सभी टीचर्स से मिलते हैं और उनका आदर करते हैं और उनकी बात को सरमाथे रखते हैं, और जो भी सुझाव टीचर देता है अगर बच्चे के बर्ताव में कहीं कोई कमी हो उसको फॉलो करते हैं और खुशी महसूस करते हैं कि उन्हें बताया गया कि बच्चे में ये कमी है इसे पूरा करिए। यकीन मानिए ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, गलत चीज़ों के लिए प्रोटेक्ट करते हैं, वहाँ यकदम हम टीचर्स का ये रिएक्शन होता है कि हम क्या करें, ये तो हमारे लिए अटर फ्रस्ट्रेशन है। अब हम बच्चे को तालीम देने के बजाय बेहतर होगा कि इस तरह के, चाहे छोटा ही ग्रुप हो, इस तरह के पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाए जो कम से कम अपने बच्चे को गलत चीज़ के लिए प्रोटेक्ट ना करें, और बल्कि टीचर और पेरेंट हाथ में हाथ डाल के अगर इस चीज़ को संभालें तो बेहतर होगा। ये नहीं कि अगर बच्चे ने गलत किया तो वो कहे नहीं मेरा बच्चा ठीक है, इसको एक पर्सनल इशू ना लेकर के दोनों का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। अनिल जी ये बताएं कि जब हम बात करते हैं क्लेम्स की, स्कूल्स के अपने क्लेम होते हैं, दिल्ली पुलिस का क्लेम होता है, हम आपके साथ हमेशा हैं, इन सब दुविधाओं के बीच आपको क्या लगता है सीनियर सिटीजन्स के प्रति जो इनसेंसिटिविटी बढ़ी है और आगे भी जो बढ़ने के आसार ज़्यादा दिखाई देते हैं, रीजंस क्या हैं? देखिए दिल्ली में करीब 9 लाख ऐसे लोग हैं जो 60 साल की उम्र से ज़्यादा है, और उसमें से करीब 40% ऐसे लोग हैं जो अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं, या तो लगातार रहते हैं या कभी कभी रहते हैं। इसमें जो जो रीज़न्स हैं सीनियर सिटीज़न के प्रति जो रवैये में बदलाव के, एक मुझे याद आता है एक राग दरबारी करके एक बहुत मशहूर नावल हुआ जी। उसमें श्रीलाल शुक्ला उसके राइटर थे, उन्होंने लिखा कि हिंदुस्तान में, भारत में जो एक व्यक्ति है वह उम्र के साथ इज्जत पा ही जाता है। ये एक बड़ी एप्ट डिस्क्रिप्शन थी एक वृद्ध व्यक्ति की, शायद उसमें बदलाव है, शायद उसमें चेंज आ रहा है, उस इज्जत में कमी आई है। उसके अलावा जो हम अभी तक बात करते आए हैं इसमें मल्टी एजेंसी रोल की ज़रूरत है, इसमें हमारी सरकारों के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें हमारे वृद्धावस्था की पेंशन की योजनाएं हैं, पर पुलिस ने इसको एक अपना एक इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि फिजिकल सुरक्षा
जब किसी के यहाँ पर कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसमें सीनियर सिटीजन आहत होते हैं, चाहे वो रॉबरी हो चाहे वो हत्या का मामला हो, तो पुलिस की सुरक्षा प्रणाली के ऊपर निशान लगाए जाते हैं। वही बात है, जब पुलिस पर ही जनता बहुत यकीन नहीं करती तो पुलिस की स्कीम्स पर विश्वास कैसे होगा। देखिए, पुलिस के अलावा आज की डेट में कोई भी सीनियर सिटीजन के लिए कार्य नहीं कर रहा है ऑर्गेनाइज्ड रूप में। सिर्फ एक दिल्ली पुलिस है जो दिल्ली की विभिन्न जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिले हैं, उसमें अलग अलग आयामों में, चाहे वो सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के साथ मिलके, चाहे वो अपने आप में, चाहे वो जो एनजीओज हैं हेल्पेज के साथ मिलके कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग एल्डरली डेज मनाते हैं, हम लोग यहाँ पर इस तरह के दिन मनाते हैं जिसमें वो लोग सब मिल सकें। हमने एक दिल्ली पुलिस वीक के तहत, सप्ताह के तहत हमने कार्यक्रम टुगेदर फॉर बेटर तैयार किया था, उसमें सीनियर सिटीजन्स ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो अगर ऑर्गेनाइज रूप से कोई भी सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए या उनसे बातचीत के लिए कार्यक्रम कर रहा है, वो है दिल्ली पुलिस। यहाँ से एक सवाल लेंगे। मेरा सवाल आप दोनों से है कि यंगस्टर के मुकाबले जो लोग अपनी 35 की एज क्रॉस कर चुके हैं, लड़कियों को छेड़ने के मामले में या फिर रेप केस जितने भी होते हैं, ज़्यादातर केसों में 35 एज जो क्रॉस कर चुके हैं, ऐसे लोगों का हाथ होता है या ऐसे लोगों का नाम होता है, तो ऐसे में हम लोग क्या सोचकर अपने सीनियर्स को रेस्पेक्ट करेंगे? अनिल जी, बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है, रोल मॉडल कौन बनेगा? तो ये बात बिल्कुल जायज़ है कि रोल मॉडल बनने के लिए अगर आप ये मापदंड रखें तो उसमें तो कोई भी फिट नहीं बैठता। पर सीनियर सिटीजन जो हैं वो हम, जैसे मैंने आपको बताया जिस कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, उसमें वो रोल मॉडल तब बन सकते हैं जब हम उनकी इज्जत करें। अब हम उनसे सरोकार तब रखते हैं जब वो हमारे लिए कुछ कर सकते हों। तो जनरेशन नेक्स्ट, जैसे हमारे यहाँ पर जितने भी मामले आते हैं उसमें प्रॉपर्टी के झगड़े को लेकर सीनियर सिटीजन्स के साथ काफ़ी दुर्व्यवहार किया जाता है। ये झगड़े सिर्फ उनकी सुरक्षा के बारे में या इज्जत के बारे की बात नहीं है, बात यह है कि उनकी जो वसीयत है उस पर किसका हक होगा। तो ऐसे मामले भी पुलिस के सामने आते हैं, इस वजह से भी सीनियर सिटीजन के ऊपर फैमिली की तरफ से आहत किया जाता है। अनिल जी, फैमिली के मामले में तो शायद पुलिस बहुत ज्यादा नहीं कर सकती, लेकिन अगर आसपास के लोग एक सीनियर सिटीजन को परेशान करते हैं तो एज अ कॉप क्या वाकई आप स्ट्रिंजेंट एक्शन ले पाते हैं? कई बार ऐसा हुआ है कि सीनियर सिटीजन अगर अकेला रह रहा है तो लोग उन्हें परेशान करते हैं। बिल्कुल, पिछले साल आपको याद होगा एक हत्या का मामला हुआ था जो बहुत जल्दी सुलझा भी लिया गया था। हरनाम सेठ की हत्या हुई थी, लेफ्टिनेंट जनरल थे वो। उसके बाद से दिल्ली पुलिस ने एक सीनियर सिटीजन के लिए सेंट्रलाइज सेल बनाया है, जिसके लिए 1291 और 1091 नाम की दो के नंबर की दो फ्री कॉल्स दी गई हैं, जिसमें सीनियर सिटीजन अपना कोई भी समस्या वहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं, और जैसे ही वो वहाँ पर अपनी समस्या बताते हैं तो पुलिस के अधिकारी खुद जाकर उस समस्या का निवारण करते हैं। तो अगर आसपास के लोग उनको तंग कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं, जैसा अक्सर होता है कई बार क्योंकि वो अकेले रह जाते हैं, तो उनको छोटी छोटी समस्याओं के लिए पुलिस की सहायता लेनी पड़ती है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पुलिस कई बार आउट ऑफ द वे जाकर उनके मेडिकल बिल्स, उनके बिजली के बिल, उनके पानी के, इस तरह के छोटे मोटी जो समस्याएं हैं वो भी वहाँ पर जाकर बीट कर सकते हैं, वो भी हल करती है। यहाँ से एक सवाल है। सर, ये तो थी सीनियर सिटीजन की बात, लेकिन हम अब अपने आप पुलिस पे कितना भरोसा कर सकते हैं? सीनियर सिटीजन तो रह गए पीछे, लेकिन अब पुलिस आगे आ रही है। ऐसे रेप केसेस में हमने देखा पुलिस स्टेशन में ये काम हो रहे हैं, तो हम कितना विश्वास कर सकते हैं ऐसे? देखिए, पुलिस इसी सोसाइटी की देन है। पुलिस एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड एजेंसी है जो आपकी सुरक्षा के लिए नियुक्त की गई है। मैं भी आप ही की तरह कुछ समय पहले एक स्टूडेंट था और शायद पुलिस के बारे में इसी तरह के विचार रखता था। कोशिश हमारी यही है कि दिल्ली पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल बन सके, दिल्ली पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सके। उसमें हम एटीट्यूडनल चेंज, बिहेवियर ट्रेनिंग, उसके बारे में ध्यान दे रहे हैं। सर, जहाँ तक आपने बात की है, सर, जितने भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रहे हैं सीनियर सिटीजन के लिए, सर, वो तो सिर्फ रिच फैमिली के लिए काम कर रहे हैं। जो सर गरीब सीनियर सिटीजन है, आखिर वो भी सीनियर सिटीजन में आते हैं जो बुढ़े हो गए हैं, सर, उनके लिए आप क्या काम कर रहे हैं? आप तो मतलब हाई सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं जिनके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं। ठीक बात, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो सीनियर सिटीजन को की जो लिस्ट बनी है शायद उसमें ज़्यादा लोग एफ्लुएंट हैं। सीनियर सिटीजन, जैसे मैंने बताया कि पुलिस शायद वो सब काम ना कर सके जो सीनियर सिटीजन अपेक्षा करते हैं, उसके लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उसके लिए सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं। आप कहीं तो नहीं कहना चाहते कि शायद जो एफ्लुएंट हैं ज्यादा, वही लोग अपने माँ बाप को छोड़कर चले गए विदेश? नहीं, वो तो बात है ही, वो तो मैंने पहले ही अपने इंट्रोडक्शन में कही थी कि वो नहीं है यहाँ पर,
जो बूढ़े लोग हैं, गरीब हैं, वो आप पाएंगे कि वो अकेले कम रह रहे हैं। पर यह आरोप सिर्फ इस जनरेशन के लिए नहीं है, हमेशा से ऐसा होता आया है, या मैंने तो सुना है, कहीं पढ़ा भी है कि कुंभ मेले में लोग अपने माँ बाप को कुंभ में छोड़ा आया करते थे। ऐसी दुख की बात शायद कहीं छपी है, कहीं पढ़ी भी होगी, आपने भी देखी होगी। ये प्रॉब्लम है, सदियों से दुख बहुत से हैं। सर, जैसा कि आपने कहा कि सीनियर सिटीजन्स के लिए दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम चलाए हैं, लेकिन जनरेशन गैप जब बीच में आता है वो किस कारण से आता है, मैं वो बात आपको बताना चाहूँगा। एक लड़का होता है, ट्रैफिक पुलिस के चंगुल में फंस जाता है। ट्रैफिक पुलिस का जो इंस्पेक्टर होता है वो अधेड़ उम्र का होता है, लड़के के पास में पैसे नहीं होते हैं चालान काटने के लिए। लड़का उससे रिक्वेस्ट करता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे छोड़ दीजिए। तो जो इंस्पेक्टर होता है लड़के की रिक्वेस्ट के बाद उसको मारता है, अच्छी तरह मारता है और छोड़ देता है। तो जनरेशन गैप आखिर क्यों ना आए हम लोगों के बीच में? नहीं, ये बात जो आपने एग्जांपल दिया ये बिल्कुल सत्य हो सकता है, कई जगह पर ये खरा उतर सकता है। पर मैं ये कहूँ कि अधेड़ उम्र के तो आपके माँ बाप भी हैं, जिस उम्र में आप हैं उसी उम्र में आपके अधेड़ उम्र में आपके माँ बाप भी होंगे। ये जनरेशन, मैं कोई यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि अधेड़ उम्र के लोगों पर विश्वास कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो गोल्डी मैम ने भी बोला कि ये संस्कार की बात है, संस्कार कि हम अपने से बड़े लोगों को किस तरह से ट्रीट करते हैं। क्या हम उनकी इज्जत इसलिए करते हैं कि वो हमसे बड़े हैं? क्या हम उनकी इज्जत इसलिए करते हैं कि वो हमें कुछ दे जाएंगे, या हम जेन्युइनली उनको रिस्पेक्ट करते हैं जस्ट बिकॉज दे हैव प्रोवाइडेड अस सो मच? उन्होंने हमें इतना कुछ दिया है, आपको आज इस मुकाम पर पहुँचाया है, एजुकेशन दी है, उन लोगों के प्रति हमारा क्या रवैया होना चाहिए? यही संस्कार है। इसमें अधेड़ उम्र या बूढ़े उम्र या जवान, जो आदमी संस्कार से वंचित है वो छोटे बच्चे से भी बदतमीजी से बात करते हैं। आप मुझे ये बताएं सभी ईमानदारी से, आज तक आप में से कितनों ने सीनियर सिटीजंस को सीट दी है जब आप बस में होते हैं? ये ईमानदारी का आंसर है? इनका मैं चीज यहाँ कहना चाहूंगी, मैं इनका बिल्कुल यकीन करती हूँ। जब हम दोनों अंदर आए, जिस तरह से ये सारे के सारे स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं हमारे, ये खड़े हुए, मेरे मन को छू गया। इस तरह कॉलेज में और कई क्लासेस में, स्कूल्स में भी बच्चे नहीं बिहेव करते हैं। मैं उसी वक्त एकदम मैंने अपने आप से ये कहा कि कितने सभ्य लोग हैं। पर मैं अभी तक सारी बातें हो रही थी पुलिस के लिए कि पुलिस ये करे। मेरे ख्याल में पुलिस का फर्ज जो है उनकी फिजिकल सिक्योरिटी के लिए है, हम सबकी, बूढ़े ही क्यों, जवान लड़कियां भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, अगर गुम हो जाते उन्हें भी वैसे ही उन्होंने देखना है। पर कहीं एक चीज़ का फर्क है, हम कुछ ज़रूरत से ज़्यादा इनके ऊपर क्यों निर्भर हो रहे हैं? क्या ऐसा नहीं, चैरिटी बिगिंस एट होम, आप अपने घर से शुरू करिए। आप अपने ही जो सीनियर सिटीजन घर पे हैं, आपके दादा दादी, चाचा चाची, आप उनके रिस्पेक्ट करिए और फिर उसके बाद आस पड़ोस के करिए। अगर हर शख्स ये करेगा तो मेरा ख्याल सीनियर सिटीजन को जरूरत नहीं पड़ेगी कि उनके बिजली के बिल कोई भरे आके, या ठीक है उनकी हिफाजत सिक्योरिटी जरूर करेंगे ये, और उसकी जरूरत भी है क्योंकि बैड एलिमेंट हर सोसाइटी में है, उनसे बचाना इनका फर्ज है। हम अगर इमोशनल सिक्योरिटी की जिम्मेवारी आप सबके ऊपर और हम पर है। रिएक्शन यहाँ से भी लेते हैं। सर, मेरा नाम निखिल विष्णु है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि लोगों का मानना होता है जैसे कि रात को किसी घर पे चोरी होती है और वो कॉन्टैक्ट करता है पुलिस से, और कॉन्टैक्ट होने के बाद भी वहाँ से फ़ोन तो उठा लिया जाता है, लेकिन फ़ोन उठा कर रख दिया जाता है, और आपकी जो शिकायत होती है पब्लिक की वो तो लिख ली जाती है, लेकिन पुलिस जो होती है तब आती है जब आदमी यहाँ काम पूरा हो जाता है, चोरी हो जाती है, सब हो जाता है, और पुलिस तब आती है और अपनी लिखापढ़ी करती है। पुलिस के कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं, भ्रांतियाँ, मैं आपकी तरफ उसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पुलिस को या तो देखा जाता है कि वो पांडू हवलदार की तरह हैं या इंस्पेक्टर विजय की तरह हैं जो 14-14, 15-15 लोगों से एक साथ भिड़ंत कर सकता है, या उसे देखा जाता है इस तरह से कि वो कादर खान के रूप में है और वो भ्रष्ट अधिकारी है। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इन तीनों में से कुछ भी सही नहीं। ना ही कोई पुलिसमैन 15 लोगों से एक साथ भिड़ सकता है, ना वो कोई इंस्पेक्टर विजय इस तरह का करैक्टर है जो 15 लोगों, और वो एकदम स्पष्टवादी और सबसे ठान के लेने वाला आदमी हो, ना ही वो मोटा पांडू हवलदार है, ना ही वो भ्रष्ट कादर खान है। पुलिस उन सब का एक मिक्सचर, एक मेल है। ये स्टीरियोटाइप मीडिया, फिल्म इसको लगातार आपके मन पर बार बार प्रदर्शित करती है, इसलिए सच्चाई क्या है वो हम उसके पीछे नहीं जाना चाहते। हम उसी में
एक कॉमिक कैरेक्टर की तरह पुलिस को देखते हैं, हंस लेते हैं और चले जाते हैं, कि ऐसा नहीं है। पुलिस एक सीरियस संजीदा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत ठोस काम होता है। तो जिंदगी सीरियस मामला है, जिंदगी को सर्कस की तरह नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन ये बताएं, इस मुद्दे पर आपके हिसाब से सजेशंस क्या हैं, होना क्या चाहिए कि जेन नेक्स्ट का पुरानी पीढ़ी के साथ जो ताल्लुक है वो कुछ और अच्छा हो, बेहतरी आए उसमें। जैसे मैंने बताया कि हम लोग स्कूली बच्चों के साथ मिलकर, जो करीब 9वीं, 10वीं और 11वीं में पढ़ते हैं, उनके साथ मिलकर सीनियर सिटीजन्स के पास जाते हैं, उनसे मेल मिलाप करते हैं, उनसे मेल जोल करते हैं। तो एक तो इससे उन बच्चों में भी बदलाव आया है, उनका जो रवैया है, इनडिफरेंस है, वो कम हुआ है। वो भी जानते हैं कि ये जो लोग हैं इनको शायद कुछ ऐसे परिजनों की ज़रूरत है जो शायद उनके अपने नहीं हैं। तो बच्चों को जोड़ना होगा, लेकिन आपके हिसाब से आपको लगता नहीं कि एनजीओस को भी कुछ काम करना चाहिए? मैं उसी पे आ रहा था। बहुत सारी एनजीओस इसमें मिलजुल कर कार्य कर रही हैं, पुलिस के साथ भी, पुलिस के अलावा भी। हेल्पेज फाउंडेशन, गवर्नमेंट भी इनको काफ़ी एड दे रही है। तो एक मूवमेंट तो चाहिए, बनना चाहिए। जैसे आपने बताया कि सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलने के लिए काफ़ी लोगों को साथ मिलना पड़ेगा। पुलिस उसमें आपकी भागीदार हो सकती है, फोर फ्रंट पे हो सकती है, पर बहुत सारी अदर एजेंसीज और एनजीओस और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, इन सबको मिलके काम करना। मिसेस मल्होत्रा, आपके हिसाब से छोटा सा सजेशन आप क्या देंगी? मैं पहले कह चुकी हूँ, चैरिटी बिगिंस एट होम। हर बच्चे को ये फर्ज समझना चाहिए कि जो उसके पास सीनियर सिटीजन है, पास का मतलब ये नहीं जो उस छत के नीचे रहते हैं, आस पास रहते हैं, या जब कहीं भी उन्हें मिलते हैं, उनके प्रति आदर रखें, उनसे ढंग से बात करें, और जिसे हम कहते हैं कि एक सहनशीलता से उनसे बात करें, और ये मत भूलें कि कभी वो भी उस उम्र पे पहुंचेंगे। आप कहना चाहती हैं कि जेन नेक्स्ट अगर बुजुर्गों के साथ थोड़ा सा समय बांट ले, उनके दुख दर्द सुन ले, तो शायद समस्या का काफी हद तक निदान हो सकता है, सूरत बदल सकती है। आप दोनों हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑडियंस का बहुत धन्यवाद। आज का अंक कैसा लगा इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया लिखना ना भूलें। हमारा पता है जेन नेक्स्ट, केयर ऑफ टीवी न्यूज, रूम नंबर 76, CPC, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। ईमेल भी कर सकते हैं jennext@dd.nic.in। अगले हफ्ते मुद्दे के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। Said, you know, Vikram's married a dancing girl from the south, and so that I had to break quite a lot. And my father-in-law helped me a great deal because he would come and sit in my performances to show his approval. And then when I said that dancing is a service to God, and I usually do Bharatanatyam, which was all like a prayer, and so then people slowly began to begin. And I always say that my whole autobiography can be in two ways. Can I show it to you? Yes, please. The first was, dancing girl come to Gujarat. And today, Amma Namaskar.
कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 011-2649-7782 और 011-2649-7554। हमारे साथ स्टूडियो में होंगे विशेषज्ञ जो बात करेंगे रविवार को ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। तो देखना 21 अगस्त को सुबह 9 बजे टोटल हेल्थ सिर्फ डीडी न्यूज पर। टोटल हेल्थ के प्रायोजक हैं इनो, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। गुजरात भाजपा में संकट बरकरार, असंतुष्टों को मनाने के लिए अडवाणी आज गांधीनगर में। खुराना ने की बीजेपी से मुलाकात कर उठाई आडवाणी के कार्यशैली पर उंगली, मोदी को हटाने की भी करी मांग। भारत ने बांग्लादेश में हाल में हुए बम विस्फोटों पर जताई चिंता, भारत बांग्ला सीमा पर गोलीबारी के बाद तनाव बरकरार। छिटपुट वारदातों के बीच उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के पंचायत चुनाव में वोट डालने का काम जारी। और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 61वीं जयंती पर देशवासियों के लिए इस पर देश भर में अनेक सभाओं का आयोजन।